जहां एक ओर राज्य सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल ने नारसन विकास खंड के लिब्बर हेडी गांव में सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें भर्ती की तैयारी कर रहे युवा और युवतियों को सेना भर्ती होने के टिप्स के साथ साथ फिजिकल फिट रहने के भी टिप्स दिए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप खंकरियाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवाओं को सेना भर्ती से पूर्व सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो लगातार 14 दिन तक चलेगा, जिसमें क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर सेना भर्ती में जाने के इच्छुक युवाओं को शारीरिक शिक्षा से लेकर अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की जानकारी दी जाएंगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारे युवा कल्याण विभाग जो है भर्ती पूर्व सैन्य प्रशिक्षण करवाता है, जिसमें जैसे विभिन्न हमारी फौज है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन सब में जो भर्ती के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फिजिकल में क्या मापदंड है, हमारी जो रिटर्न होता है या जो भी चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए इसमें मांगी जाती है, हमारा युवा जो है उसको एक दिशा देने के लिए विभाग ने ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। सर, आज कितने जो अभ्यर्थी आज युवा है? विकासखंड नारसन में हमारे को 20 अभ्यर्थियों का लक्ष्य दिया गया है कि 20 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चलाया जाएगा। ये 14 दिवसीय प्रशिक्षण है और हम इसे कल से शुरू करेंगे। आज हमारी एक छोटी सी ब्रीफिंग थी, जिसमें जो हमारे प्रशिक्षक महोदय हैं श्री अरविंद जी, इनके द्वारा 14 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। आप अरविंद जी जो हैं आर्मी से रिटायर्ड हैं और इनको भली भांति परिचित हैं कि उसमें जाने के लिए क्या क्या मापदंड और बच्चों को किस दिशा में हमने भेजना है, तो ये 14 दिवसीय प्रशिक्षण हम कल से शुरू करने जाएंगे।